फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। यहीं से बात करें अगर आप सोयाबीन की, तो सोयाबीन का फरवरी वादा देख रहे हैं 6365 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। देख रहे हैं कि सुबह में सोयाबीन की कीमतों में जो गिरावट बनती नजर आ रही थी, वहीं पे शाम होते होते अब सोयाबीन की कीमतों में हल्की फुल्की बढ़त भी बनती नजर आ रही है, 6300 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। लेकिन सोयाबीन में देख रहे हैं कि सीमित दर में कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि आगे मार्च महीने में सरसों की नई आवकें आ जाएंगी मंडियों के अंदर, और इस बार सरसों की बुआई का जो रकबा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बम्पर आवकें रहेंगी, बम्पर उत्पादन रहेगा, जिसकी वजह से जो खाद्य तेलों की जो डिमांड है भारत में वो सरसों के तेल की द्वारा पूरी की जा सकेगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि तेल की कीमतों में जो थोड़ी गिरावट तो ज़रूर आएगी और उसका असर सोयाबीन की कीमतों पर भी ज़रूर पड़ता नज़र आएगा। सोयाबीन की कीमतों में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर ग्लोबली वैश्विक सोयाबीन की बात की जाए तो वैश्विक सोयाबीन का उत्पादन थोड़ा कम ही रहने का अनुमान है इस बार की। वैश्विक सोयाबीन उत्पादन थोड़ा घट सकता है क्योंकि ब्राज़ील और अर्जेंटीना में सूखे वाले हालात हैं। अभी वहाँ पर जो बारिश होगी लगभग 20 से 25 दिनों में जो पूरी पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी कि सोयाबीन का उत्पादन आगे कितना रहेगा, कैसा रहेगा और आगे मंदी रहेगी या ज़्यादा तेज़ी रहेगी। लेकिन जब तक ये पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती है और मार्च में जब तक सरसों की आवकों का प्रेशर जारी रहता है, तब तक सोयाबीन की कीमतों में गिरावट देखने को मिलती रहेगी। लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा, उनके मुताबिक सोयाबीन की कीमतों में 6800-6900 के जो लेवल्स जो पेंडिंग है वो अभी भी देखने को मिल सकते हैं। अगर सोयाबीन में गिरावट रहेगी तो तेज़ी भी ज़रूर बनती नज़र आएगी। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे जानकारों की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीबी पर।